गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप कि आपका जो पीरियोडिक टेस्ट PT4 है उसमें चैप्टर 11 और 12 आएंगे, और मैंने आपका लास्ट टॉपिक चैप्टर 12 में से कौन सा स्किप कर दिया था, दैट विल बी डिस्पर्जल, सीड डिस्पर्जल, राइट। तो वो टॉपिक आपका मैं अभी समझा रही हूँ, सभी को ध्यान से समझना है कि व्हाट यू मीन बाय सीड डिस्पर्जल। ठीक है, सीड डिस्पर्जल से पहले ये टॉपिक है फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन। पहला पॉइंट कि सीड कैसे बनते हैं, फ्रूट्स कैसे बनते हैं, राइट बेटा। तो फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ग्रोज इनटू फ्रूट। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब फीमेल गैमेट मेल गैमेट के साथ फ्यूज होती है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होता है तो उससे जायगोट बनता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि ओवरी ग्रोज इनटू फ्रूट एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है कि द फ्रूट इज़ द राइपेंड ओवरी, और जो फ्रूट है वो क्या है, राइपेंड ओवरी है। सीड डेवलप होता है फ्रॉम द ओव्यूल्स। सीड में क्या कंटेन होता है, सीड कंटेन एन एम्ब्रो एनक्लोज इन अ प्रोटेक्टिव सीड कोट। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, एम्ब्रो क्या है, इट्स एन इमेच्योर प्लांट फ्रॉम विच अ न्यू प्लांट विल ग्रो अंडर प्रॉपर कंडीशन, राइट बेटा। ये तो फ्रूट था और सीड फॉर्मेशन कैसे बनता है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन देखो, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड, अभी बताया था, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फिर मैच्योर ओवरी किस में डेवलप होती है, मैच्योर ओवरी डेवलप होती है फ्रूट के अंदर, और ओव्यूल डेवलप होता है सीड के अंदर। ठीक है, ओव्यूल किस में डेवलप होता है, सीड के अंदर। तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट, दिस वन। अब आते हैं हमारा मेन टॉपिक जो था सीड डिस्पर्जल। व्हाट यू मीन बाय सीड डिस्पर्जल, डिस्पर्स का मतलब फैलना। ठीक है, तो सीड कैसे डिस्पर्स होता है बेटा, जब सीड का ट्रांसपोर्टेशन होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, या पेरेंट प्लांट से डिफरेंट प्लेसेस पर, उसे सीड डिस्पर्जल कहते हैं। सीड्स आर डिस्पर्स टू डिफरेंट प्लेसेस। अब कैसे कैसे होते हैं, बताया था मैंने लास्ट क्लास में भी, बाय विंड हो सकता है, बाय वाटर हो सकता है, बाय एनिमल्स। तो सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ द प्लांट्स आर कैरिड अवे बाय विंड, वाटर एंड एनिमल्स। फर्स्ट पढ़ते हैं कि विंड से कैसे सीड डिस्पर्जल होता है। ठीक है, अब पानी से कैसे सीड डिस्पर्जल होगा, राइट। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिखाए हुए हैं जिससे जो सीड डिस्पर्जल करते हैं विंड से, सॉरी वाटर से नहीं, यहाँ हम बता रहे हैं विंड से, कि विंड से कैसे सीड डिस्पर्जल होगा। बेटा विंड से वही सीड डिस्पर्जल होते हैं जो लाइट होते हैं वेट में, जिनका वेट क्या होता है, बहुत लाइट होता है। एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पर ड्रम स्टिक, दिस वन, इनमें विंग्स लगे होते हैं, और मैपल, मैपल एंड ड्रम स्टिक, ये किससे, ये सीड डिस्पर्जल कैसे होते हैं, हवा से, हवा आने से या विंड आने से ये सीड डिस्पर्ज हो जाते हैं। ये लाइट वेट की जो ग्रासेस होती है, ये हेयरी सीड्स होते हैं, ये सारे ही सीड डिस्पर्ज होते हैं विंड से। तो क्वेश्चन आ सकता है कि गिव मी टू एग्जाम्पल ऑफ सीड्स विच आर डिस्पर्ज बाय विंड, सो यू कैन गिव मी द आंसर, इट कैन बी ड्रम स्टिक, मैपल, ग्रासेस, मदार, राइट बेटा, एंड हेयरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर। कम टू द नेक्स्ट। अब पानी से कैसे कोई सीड डिस्पर्स होगा, देखो वाटर से भी सीड डिस्पर्स होते हैं। ठीक है, वाटर से भी सीड डिस्पर्स होते हैं। जनरली सीड डिस्पर्स कौन सा होता है वाटर से, वो होता है कोकोनट। अब आप कहोगे मैम कोकोनट जो है वो तो उसका वेट तो बहुत ज़्यादा है, तो हाउ इट कैन बी डिस्पर्स। जो कोकोनट की आउटर लेयरिंग होती है, दीज फ्रूट्स और सीड डेवलप द यूजली डेवलप फ्लोटिंग एबिलिटी। बाहर का जो कवरिंग होता है, आउटर कवरिंग होता है, वही उसको हेल्प करती है फ्लॉट करने में, क्योंकि स्पॉन्जी और फाइबरस आउटर कोटिंग होती है उस पर, इस वजह से ईजिली फ्लोट कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एनिमल से कौन कौन से सीड डिस्पर्स होते हैं। क्वेश्चन आता है वाटर से कौन से सीड डिस्पर्स होंगे, तो आप कहेंगे कोकोनट। एनिमल से कौन से सीड डिस्पर्स होते हैं, तो उसमें आप देखो यहाँ पर पिक्चर के अंदर, एक होता है जैंथियम और एक होता है यूरेना। दोनों में क्या डिफरेंस, देखो दोनों में क्या चीज़ें देख रहे हो, इनकी जो शार्प पॉइंट्स हैं, और ये शार्प पॉइंट ईजली
अटैच ऑन एनी क्लोथ, ठीक है, किसी भी क्लोथ पर इजिली अटैच हो सकते हैं, किसी हेयरी बॉडी पर इजिली अटैच हो सकते हैं, ठीक है। तो एनिमल से कौन से सीड डिस्पर्स होते हैं बेटा? जेंथियम एंड यूरेना। वाई? क्योंकि इनमें स्पाइनी सीड्स होते हैं विद हुक विच गेट इजिली अटैच टू द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड आर कैरी टू द डिस्टेंट प्लेसेस। ओके, नेक्स्ट है, अब क्वेश्चन ये आता है कि आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि कोई भी फ्रूट है, अगर लार्ज साइज का फ्रूट है और वो ट्री से नीचे फॉल डाउन होता है तो एकदम ग्राउंड पर वो क्या करेगा? स्ट्राइक, हिट करेगा ग्राउंड को और झटके से वो क्या कर जाएगा? फट जाएगा। जैसे ही कोई फ्रूट ग्राउंड पर हिट किया और वो झटके से फटा, बर्स्ट हुआ, तो उसके सीड क्या हो सकते हैं? डिस्पर्स्ड, राइट? तो उसके सीड्स कैसे होंगे बेटा? डिस्पर्स्ड। सीड्स आर स्कैटर्ड, सीड्स स्कैटर्ड भी हो सकते हैं पेरेंट प्लांट से। तो क्वेश्चन क्या आता है? विच सीड्स आर डिस्पर्स बाय द सडन जर्क ऑफ फ्रूट? एग्जाम्पल लिखेंगे कास्टर एंड बाल्सम, कास्टर एंड बाल्सम। कम टू द नेक्स्ट, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ ऑल द सीड्स ऑफ द प्लांट वर फॉलन टू द सेम प्लेसेस? अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? जस्ट थिंक कि अगर एक प्लांट है यहाँ, राइट, अगर उस ट्री के सभी फ्रूट्स या कोई सीड फॉल हो जाता है उसी प्लेस पर, तो आप क्या देखोगे? एक ही प्लेस पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी उसी प्लांट की, उसी ट्री की। और इससे क्या देखोगे? देखो इस पिक्चर के अंदर कितनी ज़्यादा ग्रोथ हो गई, और इससे क्या होगा? एक पर्टिकुलर प्लेस पर सेवर कंपटीशन हो जाएगा सनलाइट का, वाटर का, मिनरल का। उन्हें स्पेस कम मिलेगा, मिनरल कम मिलेगा, सनलाइट कम मिलेगी ग्रो करने के लिए, ठीक है। एज अ रिजल्ट द सीड वुड नॉट ग्रो इनटू हेल्दी प्लांट। तो इससे क्या होगा? सीड ग्रो नहीं करेगा इनटू हेल्दी प्लांट में, हेल्दी प्लांट में ग्रो नहीं कर पाता वो। कब? जब सीड एक ही प्लेस पर क्या हो जाता है? डिस्पर्स हो जाता है, तब वो हेल्दी प्लांट ग्रो नहीं हो पाता। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना ये क्वेश्चन। उसके बाद आता है व्हाई सीड डिस्पर्सल इज नेसेसरी। देखो मैंने अभी बताया सीड डिस्पर्सल नेसेसरी क्यों है, सो दैट कि उस प्लांट को प्रॉपर वाटर मिल जाए, मिनरल्स मिल जाए, प्रॉपर सनलाइट मिल जाए, स्पेस मिले, इसलिए उनके बेनिफिट्स होते हैं। देखो यही आ गया कि उन्हें प्रॉपर क्या मिले? वाटर, मिनरल्स, सनलाइट। और इससे क्या होगा? प्लांट टू इन्वेड न्यू हैबिटेट, और न्यू हैबिटेट्स आएंगे उनमें, राइट बेटा? तो इस वजह से सीड डिस्पर्सल होना बहुत मस्ट है। सीड डिस्पर्सल होगा तो क्या होगा? इससे उनको फूड, वाटर, मिनरल ज़्यादा मिलेगा, स्पेस ज़्यादा मिलेगा, और न्यू हैबिटेट्स ग्रो हो जाएंगे उसमें। इन वे टू न्यू हैबिटेट्स फॉर वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन। जनरली सीड डिस्पर्सल कैसे कैसे टेक्स प्लेस करता है? विंड से करता है, हाँ। वाटर से करता है, हाँ। एनिमल से करता है, यस। और ऑल ऑफ अबव? आंसर विल बी ऑल ऑफ अबव, राइट बेटा? ओके बेटा, ये था आज का टॉपिक सीड डिस्पर्सल। ध्यान से समझना है, पूरी वीडियो देखनी है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे अहेड। अच्छे से रिवीजन करनी है चैप्टर 11 एंड 12 की।